हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं फिर से फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर। तो आपको भी कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। इनकी फ़ोन में दरअसल प्रॉब्लम ये था, सीपीयू से एक लाइन नहीं आ रही थी फ्रंट कैमरे में। हम आपको डिस्प्ले में दिखा देंगे कि कैसे नहीं आ रही थी। तो वो लाइन बनाने के लिए हमें डायरेक्ट वो सीपीयू में गया था फ्रंट कैमरे का कनेक्शन, तो हमें सीपीयू बनाना पड़ा। तो सबसे पहले हमने इसकी शील्ड निकाल ली है अभी, अब हम सीपीयू उतारेंगे। और ये पहले हम सेफ्टी के लिए टेप लगा देते हैं कि हमारी रोम आईसी पावर आईसी ड्राई ना हो। तो चलिए फटाफट सीपीयू उतारते, पहले कटिंग कर लेंगे। थोड़ा पेस्ट लगाना है और हीट मारना है। तो देख लीजिए, बस निकलने वाला है हमारा सीपीयू, ये निकल चुका है। तो ये कंपोनेंट जो है बराबर नहीं है, उसको बराबर कर लिया अभी हमने, जो टेढ़ा हो गया था। तो अभी ये जगह फटाफट हमें क्लीन कर लेनी है और उसके बाद सीपीयू क्लीन कर लेना है। तो देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रह गया है, अभी फिर से एक बार हम और क्लीन करेंगे। ग्लू एकदम आराम से करना है, अगर आपने ज़रा सी भी ताकत ज़्यादा लगाया तो ये जो ट्रैके हैं इंटरनल टूट भी सकती है या तो फिर शॉर्ट भी हो सकती है। तो एकदम आराम से करना है, कोई घाई नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना है, आराम से काम करना है। एक बार और कर लेंगे हम क्लीन। तो देख लीजिए, बस हमारा क्लीन हो चुका है, ये देख लीजिए एकदम बढ़िया। अब आ जाती है बारी प्रोसेसर की। प्रोसेसर का ग्लू हम कई ऐसे ही काट रहे हैं इस बार। तो देख लीजिए, बस होने ही वाला है हमारा प्रोसेसर भी क्लीन। तो अभी हम इसे तार की ब्रश की मदद से इसे पूरा कार्बन जो इसका है वो पूरा क्लीन कर लेंगे, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, लेकिन साइड के जो ग्लू है वो भी निकाल लेंगे हम। तो सीपीयू हमारा एक राउंड चौरस में लगेगा, पूरा इक्वल लगेगा। तो ये थोड़ा ग्लू रह गया है, इसको भी क्लीन कर लेंगे अभी हम। तो ये हो चुका है एकदम। तो अब आ जाती है बारी सीपीयू रिवॉल्व करने की। तो देख लीजिए, तो एक बार और कटिंग कर लेंगे हम, फिर से एक बार पिपड़ी लगाएंगे। फिर से एक बार कटिंग करके एक बार और लगा देंगे तो बॉल एकदम बढ़िया बन जाएंगे। अब सिर्फ हिट मार लेंगे। तो देख लीजिए, बॉल एक जैसे बन चुके हैं अब हमारे। तो थोड़ा पेस्ट लगा के हम इसे हिट मारेंगे तो जो बॉल जगह पे नहीं होंगे वो जगह पे भी आ जाएंगे और हमारे सीपीयू बैठाने के लिए भी पेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी। तो आईसी का नाइस जो है जहां है वहीं रखना है हमें। तो अब हीट मारना चालू करते हैं, बस सीपीयू हमारा बैठने ही वाला है। देख लीजिए, धीरे धीरे पेस्ट बाहर आ रहा है। तो ये पूरी तरीके से बैठ चुका है अब हमारा सीपीयू। थोड़ी और हीट मार देते हैं हम ऊपर से हल्की सी, ये बैठ चुका है हमारा सीपीयू, शेक भी कर दिया हल्का सा। तो अब आ जाती है बारी हमारा फ़ोन टेस्ट करने की। पूरा टेप निकाल लेते हैं हम, और ये मदरबोर्ड भी ठंडा हो चुका है हमारा, इसे फटाफट फिट करते हैं और इसके कैमरे भी लगाते हैं हम और इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा कैमरे ऑन हुए कि नहीं हुए। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है, मॉडल कोई भी रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है रेडमी नोट 10 ही होना, आपका मॉडल कोई भी रहे, तो आप ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। तो ये भाई 700 किलोमीटर दूर से आए थे हमारे पास, तो आपने जैसा उनकी ज़बानी सुना है, तो 700 किलोमीटर दूर से आने के बाद हमने उनको बना के दिया है। उनको वहाँ पे सब बता रहे थे डेड डिस्क लगेगा, ये है वो है, लेकिन हमने विदाउट डेड डिस्क ओके करके दिया है, विदाउट डेड डिस्क ओके करके दिया है इन्हें। तो देख लीजिए, ये फ़ोन ऑन हो चुका है हमारा। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, हमारा कैमरा ऑन हो चुका है
और ये फ्रंट कैमरा मेन था हमारा, फ्रंट कैमरा जो ऑन नहीं हो पा रहा था, तो देख लीजिए हमारा फ्रंट कैमरा भी ऑन हो चुका है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।